कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने भारत के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट में 16 जजों की बेंच में से 15 जजों ने कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक बरकरार रखी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ICJ के फैसले को मानने के लिए कोई देश बाध्य होता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कई देशों ने ICJ के फैसले को नहीं माना है, जिसमें से एक अमरीका भी है। साल 2004 में अमेरिका की एक अदालत ने मेक्सिको के 51 नागरिकों को दोषी मानकर सजा सुनाई थी, जिसके बाद मेक्सिको ICJ पहुंच गया था। ICJ ने अमेरिका के खिलाफ फैसला दिया, लेकिन अमेरिका नहीं माना। जानकारों की माने तो जाधव मामला इससे थोड़ा उलट है। वो इसलिए क्योंकि भारत ने ICJ में अपील वियना संधि के आधार पर की है। वियना संधि के मुताबिक अगर कोई मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाता है तो दोनों देशों को उनका फैसला मानना होगा। इस संधि पर पाकिस्तान के हस्ताक्षर भी हैं, लेकिन पाकिस्तान तब भी नहीं मानता तो फिर UN की सुरक्षा परिषद निर्णय ले सकती है। उधर पाकिस्तान के PM इमरान खान ने ICJ के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि वे कानून के आधार पर इस मामले में आगे बढ़ेंगे। उनके इस ट्वीट में एक बात तो साफ झलक रही है कि वो शायद इस मामले को अब संयुक्त राष्ट्र में ले जाएंगे, क्योंकि बाजी अब उनके हाथ से निकल गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई देश मजबूर तो नहीं है, लेकिन ICJ के फैसले को अगर कोई देश नहीं मानता तो फिर UN की सुरक्षा परिषद का रोल अहम हो जाता है और फिर मामले की वोटिंग होती है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें एक चीन भी है जो पाकिस्तान का साथ दे सकता है, लेकिन अगर वोटिंग भारत के पक्ष में आ जाता है तो पाकिस्तान को फिर भारत की बात मानने को मजबूर होना पड़ेगा। आपको ये भी बताते चले कि कल ICJ में दोनों देशों की तरफ से कुलभूषण मामले में क्या दलीलें दी गई। भारत की तरफ से दी गई दलील में जाधव को गिरफ्तार करने और सजा देने के दौरान पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और वियना कानून की संधि को तोड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत को पुरानी स्थिति हासिल करने का अधिकार है। पाक के मिलिट्री कोर्ट के फैसले को रद्द करके फांसी की सजा को रोकी गई है। पाकिस्तान जाधव को तुरंत रिहा करने और भारत में जल्दी भेजने की बात कर रहा है। उधर पाकिस्तान ने भी भारत की दी गई दलील पर अपने पास रखते हुए कहा भारत के दावों को बेबुनियाद करार दिया जाए। भारत का यह दावा झूठा है कि हमारे मिलिट्री कोर्ट में काबिल जज और अधिकारी नहीं है। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारत ने ICJ से ऐसी मांग की है जो ICJ के दायरे में नहीं है। पाकिस्तान में जाधव को पूरी तरह से कानूनी सलाह दी गई है। हमारे पास जाधव के खिलाफ पक्के सबूत है और उनका कबूलनामा वीडियो भी है। जासूसी से शामिल होने की वजह से पाकिस्तान में जाधव को राजनयिक पहुंच नहीं दी गई है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान सरकार ICJ के इस फैसले को मानता है या फिर इसे संयुक्त राष्ट्र में चुनौती देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द कैपिटल पोस्ट।